ये है हमारा अमरेला घाघरा और ये मगजी वाला घाघरा बनेगा। तो पहले हम इसमें से बेल्ट निकाल देंगे। ये 3 मीटर कपड़ा है अमरेला घाघरे के लिए, 3 मीटर कपड़ा हमें चाहिए होता है। तो 3 मीटर कपड़े में से मैं पहले बेल्ट निकाल रही हूँ डबल फोल्ड, और मैंने 4 बार फोल्ड करके 2 इंच जितना बेल्ट निकाल रही हूँ। आप सीधा कटिंग करोगे तो 4 इंच का, मैंने डबल करके किया है तो मेरा 4 इंच निकल गया है बेल्ट, आप देख सकते हो। तो आप कैसे भी मर्जी आओ जैसे निकालो, लेकिन 4 इंच का बेल्ट निकालना है। और अभी हमें ये कपड़ा है जो बचा हुआ उसको डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर रही हूँ इसे, यहाँ पे डबल फोल्ड कर दिया और एक साइड का कॉर्नर उठा के मैं इसके ऊपर रख दूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे ये हो चुका है हमारा कॉर्नर रख के, और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए पहले हमें जो लेफा है उसका हमें 1/4 भाग निकाल के उस हिसाब से हमें निशान लगाने हैं ताकि हमारी गोलाई बराबर आए। और यहाँ पे आपको देखना है तो मेरा घाघरे का नाप पूरा 36 है, तो यहाँ पे आ नहीं रहा है 9 इंच, तो मुझे 1.25 इंच जितना करना है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो और मैं नीचे लाइन खींचते जा रही हूँ और देखते जा रही हूँ 9 इंच जितना हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे लगभग मेरा 9 इंच हो चुका है और लंबाई है मेरी 36 इंच, तो मैं 34.5 इंच निकाल रही हूँ। 2 इंच का मेरा मगजी आएगा, तो 34.5 इंच निकालना है हमें। तो यहाँ पे 34.5 का मैं नाप कर रही हूँ सब भी जगह पे, और जितना आपका नाप है उससे आप 1.5 इंच कम निकालना है मगजी के लिए रखना है, और इस हिसाब से आपको घाघरे की कटिंग करनी है। तो 1.5 इंच मैंने कम किया 36 में से, तो 37 आ रहा है, तो 34 इंच का मैंने ले लिया है। और यहाँ पे वापस से मैं कट कर रही हूँ गोलाई के लिए। तो यहाँ पे कट करके ये भी हो चुका है अमरेला घाघरा। और यहाँ पे नीचे की तरफ हमें जो आपको देख रहे हो कपड़ा कम पड़ रहा है, तो वहाँ पे मुझे इसमें जो बोलते सौदा बोलते, तो यहाँ पे जॉइंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जॉइंट डालने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़े कटिंग कर दिया, ये जॉइंट में आएगा, अब देख सकते हैं इस तरह से जॉइंट। और अभी इसे मैं साइड में रख दूँगी। और मगजी मैंने इसमें दूसरी तरफ से कटिंग करना बताया है, जो पहले मैंने अमरेला घाघरे में गोलाई से मगजी कटिंग करती थी, इसमें मैं गोलाई नहीं कर रही हूँ, तिरछा कपड़ा रखेंगे इसमें। तो एक्स्ट्रा कपड़ा है तिरछा का, वो निकल के ले रही हूँ मैं। और अभी देख सकती हूँ ये तिरछा हो चुका है, तो इसकी मगजी कटिंग करेंगे। तो मगजी मैं 2.5 इंच की रख रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हो 2.5 इंच करके मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। 2.5 से थोड़ा ज़्यादा है, 3 से थोड़ा कम है, 2.75 जितना मैंने लिया है मगजी। तो ये मेजर टेप से नाप के मैं कर रही हूँ इसमें। तो इन 3 पट्टियों में मेरी मगजी हो जाएगी, इतने से कपड़े में मेरे पूरे घाघरे की मगजी निकल जाएगी। तो ये मगजी भी हमारी निकल के हो चुकी है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे मेरी मगजी कंप्लीट होगी या नहीं होगी, कम पड़ेगी तो कम नहीं पड़ रही है, ये थोड़ी बहुत बचेगी, एक्स्ट्रा या कम नहीं है। अभी हम जो गोट के लिए कपड़ा होता है उससे निकाल रहे हैं, तो उसकी कटिंग कर देंगे। जो गोणा भी बोलते हैं गोट भी बोलते हैं, तो ये गोणे के लिए कपड़ा है। तो इस तरह सारे गोणे की पट्टी आपको इस तरह से निकालनी है, इसे पाइपिंग भी बोल सकते हो, गोणा हम लोग तो बोलते हैं, आपकी जो इच्छा है वो बोल सकते हो, लेकिन इसे इस तरह से कटिंग करनी होती है। लगभग 1-1 इंच जितनी आपको पट्टी रखनी है, थोड़ी सिलाई में आएगी, थोड़ी फोल्ड करने से पाइपिंग दिखेगी इस तरह से आपको। तो यहाँ पे हम घाघरे की स्टिचिंग करने जा रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ पे जॉइंट लगा दूँगी, जो नीचे के जॉइंट आपको मैंने बताए थे वो। तो पहले जॉइंटों को दोनों को मुझे फोल्ड करना है, इस तरह से जॉइंट कर देना है, और फिर हमें इस जॉइंट पे लगाना है। तो इस तरह से मैं जॉइंट पे लगा रही हूँ, आपको बराबर जॉइंट कटिंग करने है, कम ज़्यादा नहीं। जो सीधी साइड से जॉइंट है गोलाई वाला नीचे रखना है, और सीधी साइड जॉइंट है वो सीधे भाग में आपको जॉइंट करना है। तो एक साइड से मैं जॉइंट करने लग रही, तो यहाँ पे पूरा मुझे इसी तरह से जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पे मेरी जॉइंट करके हो चुकी है, और अभी हमें जो ऊपर का भाग होता है लेफे का, उसमें हमें चैन के लिए इस तरह से दोनों भाग में फोल्ड करना है, और फिर इसमें लेफा लगाना है।
तो चैन के लिए मैंने कपड़ा फोल्ड कर दिया, और लेफे के लिए मैं एक साइड से फोल्ड कर रही हूँ इसे, जो लेफे का कपड़ा है उसे। और फिर हमें एक साइड से और फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने चैन के लिए एक साइड से फोल्ड किया, एक साइड से मैंने खुला ही रखा है, एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग होगा इसलिए। और उल्टी साइड से आपको लेफा लगाना है, ध्यान रखना है इस बात का, घाघरा का कपड़ा भी उल्टा हो और उसका लेफा भी उल्टा रखना है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है, टेर नहीं आती है लेफे में, नहीं तो गूंज आ जाती है, ऐसे गोल गोल हो जाता है, वैसे नहीं होगा, एकदम क्लियर लेफा आएगा परफेक्ट। तो यहाँ पे हमें इस तरह से ये स्टिचिंग लेनी है, और मेरा थोड़ा सा भाग मिस हो गया है, वीडियो में नहीं आ पाया, तो मैंने इसके ऊपर लेफे के ऊपर जो अंदर की साइड फोल्ड करके इस तरह से मैंने सिलाई ली है, आप देख सकते हो इस तरह से उसको सीधा करके इस तरह से सिलाई लेनी है। मेरा थोड़ा ये भाग मिस हो गया है, तो इस तरह से ये लेफा मेरा बन के रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल टेर नहीं आई है, और एक्स्ट्रा कपड़ा भी मैंने निकाल दिया, ये देख सकते हो पड़ा है, और यहाँ पे ये टेर बिल्कुल नहीं आई है। घाघरा का लेफा जो होता है बहुत ही अच्छे से लग के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो मैंने कपड़ा कटिंग किया था तिरछा वाला, तो इस ये मगजी का कपड़ा है कटिंग किया हुआ, आपको मैंने बताया था मगजी का कपड़ा कटिंग करना, तो उसे इस तरह से तिरछा लगाना है, आमने सामने का भाग इस तरह से तिरछा लगाना है, और दोनों साइड जितना बचा है उतना बचाना है, इससे आपका बराबर हो जाएगा। तो देख सकते हो मेरा इधर उधर नहीं हुआ, तिरछा लगाने के बाद भी बराबर हुआ है, तो तिरछे के ऊपर रख के तिरछा रखना है, और जब इस तरह से आपको लेनी है सिलाई, थोड़ा एक्स्ट्रा हो तो निकाल देना है, बराबर में लेना है, और इसी तरह इसको पूरा का पूरा जॉइंट करना है, सारे भागों को, मगजी वाले भाग है जो भी तिरछे कपड़े, मैं सारे जॉइंट इसी तरह से कर दूंगी ये मगजी वाले। मैंने उस दूसरे वाले घाघरे में जो मैंने मगजी है वो अम्ब्रेला में से जो गोलाई है उसमें से मगजी डालना बताया था, उसमें चिमटी आती थी, इसमें चिमटी नहीं आएगी बिल्कुल, आपको खाली सीधा पट्टी रख करते जाना है और सिलाई करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये लगाने में बहुत आसानी से लग जाती है, उसमें थोड़ी सी झंझट होती है, ये कटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लगाने में बहुत ईजी है ये पट्टी, खाली आपको इसको ध्यान रखना है, जैसे हम ब्लाउज़ की गला पट्टी के लिए तिरछा कपड़ा रखते तो मगजी के लिए इसे हमें तिरछा करके ही कटिंग करना है, जिससे गोलाई देंगे तो अच्छे से गोलाई आ जाती है मगजी की। और जहाँ पे जॉइंट लगा है उसके ऊपर मुझे डफ सिलाई करते जाना है, तो इस तरह से मैंने पूरी डफ सिलाई कर दी है, और मगजी हमारी जॉइंट हो चुकी है, एक्स्ट्रा है वो निकाल दे रही हूँ मैं, और इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ, आप देख सकते हो मैंने डबल फोल्ड किया है, कोई भी साइड से आप मगजी लगा सकते हो, कहीं भी आपको टेर नहीं आएगी, और चिमटी पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, सीधी पट्टी है, तो आप देख सकते हो मेरी एकदम सीधी सी पट्टी है, और मैं उसको साथ में ही जॉइंट कर रही हूँ इसके साथ, पहले इसको मैंने इस नई सिला है, जो अम्ब्रेला मैं गोलाई में पट्टी करती हूँ तो उसको मुझे पहले सिलना पड़ता है, फिर वापस से मगजी लगानी पड़ती है, दो दो बार सिलाई करनी पड़ती है, इसमें ऐसा नहीं है। और मगजी के लिए आपको नीचे दूसरा कपड़ा रखना चाहिए, मैं दूसरा वाला धागा रखना चाहिए सॉरी, जिससे आपको मगजी लगाने में आसानी हो जाएगी। मैंने इसमें ये मैचिंग वाला ही धागा यूज किया है, नीचे आप दूसरा धागा लगाओगे तो उससे आपको पता चलेगा, मगजी से दूसरे वाला धागा थोड़ी दूर सिलाई लेनी होती है जब भी हम फोल्ड करते हैं, तो वो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी की मगजी आपको इसी तरह से लगानी है, इसके ऊपर जो गोना बोलते हैं वो इसी तरह से लगाना रहता है, आधा इंच छोड़ के इस तरह से, तो सारे को मैंने जॉइंट नहीं किया, ऐसे ही मैं लगाते जा रही हूँ और जॉइंट कर रही हूँ, डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सीधा रख रही हूँ, तो मेरा जॉइंट हो रहा है इजीली, और ख़राब भी नहीं दिखेगा, वो अंदर फोल्ड हो जाएगा तो निकलेगा भी नहीं। एकदम जो गोना है उसके एकदम किनारे पे सिलाई लेनी है, थोड़ी सी अंदर लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, बीचों बीच नहीं लेना है गोने के ऊपर, इस साइड मतलब जो यहाँ पे फोल्डिंग के लिए हमें ज़्यादा कपड़ा रखना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा कपड़ा आप देख सकते हो,
तो यहाँ पे सारी मगज़ी इसी तरह से आपको जॉइंट करनी है। और ये वाली मगज़ी बहुत ही आसानी से जॉइंट हो जाती है, ज़्यादा नहीं झंझट होती है इसमें। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप धीरे धीरे देखो, और मैंने वीडियो को ज़्यादा मतलब भगा के नहीं बनाया, एकदम स्लोली स्लोली बनाया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके कि मैंने क्या सिला है, कैसे सिला है। एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया है, तो स्किप कुछ भी नहीं किया है। मेरा थोड़ा बेल्ट वाला कप जो भाग होता है लेफे वाला, वो थोड़ा सा वीडियो में नहीं आया है। दूसरा मैंने पूरा का पूरा वीडियो बहुत स्लोली बनाया है आपको समझ में आने के लिए, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा मगजी वाला घाघरा आराम से सीखने को आ जाएगा। और ये तिरछा कपड़ा मैंने निकाल दिया मगजी का, और घेर को एक बराबर करना है और चार बार फोल्ड करना है इस तरह से। तो मैंने दो बार कर दिया और ये चार बार मैं फोल्ड कर रही हूँ इसे, और चार बार फोल्ड करके बराबर रख के फिर मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन को लगा रही हूँ, तो सेफ्टी पिन से ये हिलेगा नहीं और इसकी टेर हम आसानी से निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सेफ्टी पिन लगा दिए और इसको मैंने आराम से बिछा दिया एक जैसा करके, और फिर मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ तो 35 का ले रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं 35 ले रही हूँ सारी जगह पे, तो यहाँ पे पूरी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मेरा वो निकल जाएगा, टेर बिल्कुल नहीं रहेगी इस घाघरे में। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसकी गोलाई दी है और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो इसकी आसानी से कटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से आप घाघरा सिलोगे तो आपका घाघरे में, अमरेला घाघरे में बिल्कुल टेर नहीं रहेगी। आप नॉर्मल भी घाघरा सिलो तो ऐसे ही करना है आपको, और फिर पट्टी को फोल्ड करते जाना है। ये सेफ्टी पिन में मेरा थोड़ा अटक गया था तो इसकी वजह से ऐसा लग रहा है, तो उसको मैंने वापस ठीक कर दिया कपड़े को, और बराबर हो चुका है। अभी सारे भाग एक जैसे हो गए, ऐसे ही सिलाई कर देनी है। अभी हमें इसे सिलाई कर, तो यहाँ पे हमें मगजी के लिए हमें इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को। तो मैं दिखा रही हूँ कैसे फोल्ड करना है। इस तरह से पहले फोल्ड करना है ऊपर की साइड और फिर मगजी के ऊपर लगाना है, और इसी तरह सारी मगजी को आपको फोल्ड करते जाना है और लगाना है। और जो धागा आपका सिलाया हुआ है उससे थोड़ा सा दूर लेना है आपको, ज़्यादा दूर नहीं, जितना अंदर पाइपिंग चाहिए मोटी उतना दूर लेना है आपको। वो वैसे ही आपको पूरी सिलाई लेनी होती है। इसमें अंदर वाला धागा जो है वो आप नीचे वाला दूसरा धागा रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा मैचिंग है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, ये वाला मेरा धागा है और इससे मैं थोड़ा सा दूर ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना को मैंने धागा भी दिखाया और इससे सिर्फ इतना दूर रख। तो यहाँ पे ये मैंने घाघरे की सेफ्टी पिन निकाल के इस तरह से रख दिया है उसको सीधा घेर को, और ये जो मगजी है उसको उल्टा रखा है, और जो इसके अंदर की गुणा है उसको मैंने फोल्ड किया है, और फोल्ड करके इतनी दूर पे मैं लगा रही हूँ। जो सिलाई है उससे थोड़ा सा दूर मैं सिलाई लगा रही हूँ दूसरी वाली, जितनी मुझे अंदर जितना गोना सही है उसके हिसाब से, गोना भी बोल सकते हो, पाइपिंग भी बोल सकते हो, जितनी आपको पाइपिंग चाहिए उतनी अंदर रखनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे इतनी पाइपिंग चाहिए तो मैं इतनी दूर सिलाई ले रही हूँ। पहली सिलाई जो मैंने ली थी उससे थोड़ी सी दूर ले रही हूँ, तभी मेरी इतनी अंदर गोना निकल रहा है पाइपिंग। तो इसी तरह से आपको सारी सिलाई करनी होती है, तो इससे आपकी परफेक्ट जो गोना बोलते हैं वो परफेक्ट लग के रेडी हो जाएगा पाइपिंग वाइपिंग इजीली। तो ऐसे ही फोल्ड करते जाना है अंदर की साइड, जो गोना है उसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करना है और लगाते जाना है, बहुत ही इजीली बन जाएगी ये पाइपिंग। तो सारे में मैं ऐसे ही लगाते जा रही हूँ धीरे धीरे करके, और मैंने वीडियो बहुत स्लोली बनाया है जिससे आपको समझ में आ सके कैसे मैंने इसकी पूरी पाइपिंग लगाई है। और ये मगजी वाला है गोट वाला घाघरा, इसे गुना वाला घाघरा बोलते हैं। तो मगजी वाला
जो राजपूती पहनते हैं वो कली वाला होता है, या अम्ब्रेला में मैंने उसको लगाया, जो हेल्थी औरत होती है जिसे कली वाले घाघरे में बैठने उठने की तकलीफ होती है, तो ये अम्ब्रेला घाघरा सिल्क के उसमें मगजी लगा के वो पहन सकते हैं जिससे बैठने उठने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अम्ब्रेला घाघरे का घेर बहुत ही अच्छा रहता है। और जो हमारा ये मगजी लग के रेडी हो गई और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने निकाल के रख दिया साइड में, और जो तिरछा विरछा कपड़ा है अंदर वो निकाल दिया, और इसके ऊपर मैंने डब सिलाई ले रही हूँ। तो डब सिलाई आपको मगजी के ऊपर की साइड लेनी है, नीचे की साइड नहीं लेनी है। जो आपकी अंदर की सिलाई है उसे ऊपर की साइड करके और मगजी के जो गोट है उसके ऊपर रखनी है। तो इस तरह से पूरी सिलाई करनी है आपको, जिससे आपकी जो गोट है वो गुणा है वो बहुत ही अच्छे तरह से लग जाएगा। और ये बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है, ज़्यादा इस पर दिक्कत नहीं होती है लगाने में। और ये डब सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं लगाओगे तो आपका घाघरा मतलब लुक अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरी लगा दी है, और अभी मैं यहाँ पे साइड से जॉइंट कर दूंगी घाघरे को, तो यहाँ पे मेरा घाघरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जितनी चेन रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलाई कर सकते हो। तो मैं चेन